नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवं इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं डे टू पढ़ाऊँगी। डे टू क्लास में एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग, एम एच आर के बाद नाउन का प्रयोग, इसके पहले वाली वीडियो में डे वन में आपको बताई थी यूज ऑफ एम एच आर का बेसिक सा प्रयोग कि वो कहाँ पे यूज होते हैं, इसके बाद यूज होते हैं। तो ये सब मैंने आपको डे वन में पढ़ा रखी थी। तो आज मैं डे टू में पढ़ाऊँगी एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करती हूँ और एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैं खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी। तो इसमें एडजेक्टिव है यहाँ पे खुश और इसकी इंग्लिश हैप्पी। तो यहाँ हैप्पी हमारी एडजेक्टिव है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है? तो इसके लिए तो आपको ग्रामर पढ़ने होंगे, क्योंकि ये सब ग्रामर में फुल डिटेल से पढ़ोगे। नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब आपको डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, इसके टाइप्स भी बताए जाएंगे, लेकिन ये ग्रामर में पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं। तो मैं वो भी पढ़ूँगी, लेकिन आपको ट्रांसलेशन का बेसिक सा ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऐसे ही समझ लो बेसिक सा, कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण होता है, क्वालिटी होता है, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ बेसिक सा इतने ही समझ लो। आपको फुल डिटेल तो ग्रामर में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब ग्रामर का टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने कहा मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये बुद्धिमान किसी का गुण है। जैसे कि मैंने कहा वह उजला है, वह काला है, या फिर वह ऊंचा है, वह नीचा है, वह अमीर है या गरीब है, वह ईमानदार है, मेहनती है या दयालु है, स्वस्थ है। ये सब हमारे गुण हो गए, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे खुश है, बुद्धिमान है, बहादुर है, ईमानदार है, मेहनती है, दयालु है, स्वस्थ है। तो ये सारे एडजेक्टिव हो गए। तो आप समझ गए, जब हम किसी को कहेंगे कि वह बुद्धिमान है, वह बहादुर है, तो ये सब बुद्धिमान बहादुर जो है इसे एडजेक्टिव कहेंगे। ये किसी का गुण सूचित कर रहा है, तो इसे एडजेक्टिव कहेंगे। वह मोटा है, वह पतला है, तो ये सब मोटा पतला, उजला काला, या फिर ऊंचा अमीर गरीब मेहनती, ये सब हमारे एडजेक्टिव हो गए, विशेषण हो गए। तो यहाँ पे ये सारे हमारे एडजेक्टिव ही है, खुश, बुद्धिमान, बहादुर, ईमानदार, मेहनती, दयालु, स्वस्थ। तो जब किसी नॉन या प्रोनाउन की गुण क्वालिटी सूचित करे, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी, वाइज, ब्रेव, ऑनेस्ट, लेबोरियस, काइंड, हेल्थी, ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव के पहले एम एच आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे बस इतना ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यही है कि एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एम है, आर है, आर है, तो एम के बाद क्या प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव का। यहाँ पे आर है, तो आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। तो बेसिक तो यहाँ पे यही जानना है कि एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये कुछ खास नहीं है, ये ऐसे भी यूज होते रहते हैं। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, आप बहादुर हो, यू आर ब्रेव, तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, आप लोग मेहनती हो, यू आर लेबोरियस, हम लोग दियारू हैं, वी आर काइंड, वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। तो इसमें कुछ नहीं समझना, बस यही समझना है कि एम एच आर, यहाँ पे एम है, आर है, आर है, तो एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो गए। तो ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव है, हैप्पी, वाइज, ब्रेव, ऑनेस्ट, लेबोरियस, काइंड, हेल्थी, ये सब हमारे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एम एच आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुए हैं।
नेक्स्ट है एमेज आर के बाद नाउन का प्रयोग। तो नाउन क्या है, तो ये सब तो ग्रामर है, मैं आपको डिटेल से पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक से यही समझिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी का नाम स्थान सूचित नाम स्थान या वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो एम इज आर है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, तो वो तो बेसिक सा होता ही है। तो यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट नाउन है। तो नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ, एम इज आर का। तो ये हमारा स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट हमारे नाउन है, और नाउन के पहले एम इज आर का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसमें भी कुछ भी नहीं समझना, इसमें भी यही समझना, एम इज आर के बाद नाउन का प्रयोग होता है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं गायक हूँ, यू आर अ सिंगर। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी प्रयोग, इसलिए नॉन प्रयोग है। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉयज। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। मोहन और सोहन गायक है, तो मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स। तो यहाँ पर ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, ये सब व्यक्ति का नाम है। तो नाम के किसी व्यक्ति का नाम जो कि संज्ञा कहे जाते हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट्स, सिंगर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, वाई सिंगर्स, ये सब हमारे नाउन हैं। तो नाउन के पहले एम एच आर का प्रयोग होते हैं। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एम एच आर के बाद नाउन का प्रयोग होते हैं। तो आगे देखती हूँ मैं, वैसा वाक्य जिनके अंत में होता है, रहता है, लगता है, इत्यादि रहते हैं, ऐसे वाक्यों से यदि किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी अंग्रेजी एम इज एम आर से बनेगी। तो यहाँ पे यही समझना है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में होता है, रहता है, लगता है, रहेगा, तो उसमें एम एच आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, तो दूध का हो गया मिल्क, और होता है और रहता है, लगता है, ये सब स्वभाव सूचित कहते हैं। जैसे दूध कैसा होता है, तो दूध उजला होता है। तो जब होता है, रहता है, लगता है, तो इसका अंग्रेजी इज एम आर से ही बनेगी। जैसे दूध उजला होता है, तो दूध का हो गया मिल्क, होता है का एज, और उजला का वाइट, तो मिल्क इज वाइट। चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी लगती है, तो चीनी का हो गया शुगर, लगती है का एज, और स्वीट मीठी का स्वीट, तो शुगर इज स्वीट। सूर्य गर्म रहता है, द सन इज हॉट। सूरज का द सन, और रहता है का एज, हॉट गर्म का हॉट। आम मीठा होता है, यहाँ पे है छूट गया, यहाँ पे होगा आम मीठा होता है, तो द मैंगो इज स्वीट। तो आई होप समझ गए होंगे, जब वो किसी सेंटेंस का लास्ट में होता है, रहता है, लगता है, तो उसका अंग्रेजी इज एम आर से ही बनते हैं। और यहाँ पे नोट भी है, नोट भी देख लो, तो आप समझ गए होंगे। चीनी मीठी होती है और चीनी मीठी लगती है, तो ये दोनों एक ही है, होता है, लगता है, दोनों सेम है, तो इसी यहाँ पे दोनों का सेंटेंस सेम है, शुगर इज स्वीट। ओके, तो आइए नोट मैं देखती हूँ। समान अर्थ में मटेरियल नाउंस में द का प्रयोग नहीं होता है। तो मटेरियल्स नाउन क्या कहते हैं, ये सब भी आपको नाउन के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ नाउन में। तो यहाँ पे मटेरियल्स नाउन है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी तरल पदार्थ को सूचित कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन्स में आ गए दूध, चीनी, वाटर, ऑयल, ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। और
और इन में दा का प्रयोग नहीं होता है, तो मटेरियल नाउन में आप सब दा का यूज नहीं करोगे। यहाँ पे है मिल्क मटेरियल नाउन है, तो इसके आगे दा का यूज नहीं हुआ है, शुगर में भी नहीं हुआ, तो मटेरियल नाउन्स में दा का प्रयोग नहीं होता है, ये नोट में याद रखना। तो ये हमारा इतना ही क्लास समाप्त होती है यूज ऑफ एम एच आर का, जो कि मैंने डे वन और डे टू में बता रखी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ वॉच फेयर्स पढ़ाऊँगी, और यहाँ पे मैं वोकैबुलरी भी देख लेती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो आपको कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप किसी सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे, ना ही स्पोकन वर्ड पाओगे। तो आइए यहाँ पे इजी सा वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी देखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मोटा, तो मोटा का क्या होता है, फैट, मोटा फैट, दुबला थीन, दुबला थीन, मजबूत मजबूत, स्ट्रांग स्ट्रांग, कड़ा हार्ट, कड़ा हार्ट, भूखा हंग्री, भूखा हंग्री, पागल मैड, पागल मैड, कमजोर वीक, कमजोर वीक, दुष्ट वीकड, दुष्ट वीकड, डरपोक टिमिड, डरपोक टिमिड, डाकिया पोस्टमैन, डाकिया पोस्टमैन, अफसर ऑफिसर, अफसर ऑफिसर, अस्वस्थ अनहेल्दी या अनवेल, यहाँ पे दोनों होंगे, अस्वस्थ का अनहेल्दी बोलो या अनवेल, तो अस्वस्थ अनहेल्दी या अनवेल, आलसी आइडल या लेजी, आलसी आइडल या लेजी, क्रू अगले, अशिक्षित अनएजुकेटेड, अशिक्षित अनएजुकेटेड, बहरा डेफ, बहरा डेफ, भारतीय इंडियन, तो भारत एक देश है जिसमें हम सब रहते हैं, तो भारत में रहने वाले लोग को भारतीय कहते हैं, और इसके इंग्लिश हो जाएंगे इंडियन, भारतीय इंडियन, जैसे मैं हमारा फुर्तीला एक्टिव, फुर्तीला एक्टिव, चोर थीप, चोर थीप, प्रोनाउंसिएशन से भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। नेता लीडर, नेता लीडर, अभियंता इंजीनियर, अभियंता इंजीनियर, अंधा ब्लाइंड, अंधा ब्लाइंड, भाग्यशाली लकी, भाग्यशाली लकी, विनम्र हम्बल, विनम्र हम्बल, थका टायर्ड, थका टायर्ड, निर्दोष इनोसेंट, निर्दोष इनोसेंट, तेज इंटेलिजेंट, तेज इंटेलिजेंट, बेईमान डिसऑनेस्ट, बेईमान डिसऑनेस्ट, नटखट नॉटी, नटखट नॉटी, शर्मिली साई, शर्मिली साई। नेक्स्ट देखती हूँ मैं, महान ग्रेट, महान ग्रेट, डाकू रॉबर, डाकू रॉबर, दोषी गिल्टी, दोषी गिल्टी, उपस्थित प्रेजेंट, उपस्थित प्रेजेंट, अनुपस्थित एब्सेंट, अनुपस्थित एब्सेंट, निर्दोष इनोसेंट, निर्दोष इनोसेंट, परेशान ट्रबल, डिस्टर्ब या एंजियस, ये तीनों होंगे परेशान का इंग्लिश, परेशान ट्रबल, डिस्टर्ब या एंजियस, संतुष्ट सेटिस्फाइड, संतुष्ट सेटिस्फाइड, नेक जेंटल, नेक जेंटल, पर्सन हैप्पी या ग्लैड, दोनों होंगे पर्सन का इंग्लिश, पर्सन हैप्पी या ग्लैड, नियमित रेगुलर, नियमित रेगुलर, मूर्ख फुलिस, मूर्ख फुलिस, घमंडी प्राउड, घमंडी प्राउड,
कलाकार आर्टिस्ट, पड़ोसी नेवर, वफादार फेदफुल, वर्फ असनो या आइस, डरावना फियरफुल, सीधा सिंपल या इनोसेंट, चांदनी रात ए मुनलिट नाइट, लाभदायक यूजफुल, बनावटी फूल आर्टिफिशियल फ्लावर, दवा मेडिसिन, मधुर स्वीट या प्लीजेंट, चमकीला ब्राइट, विकार यूजलेस, बूढ़ा ओल्ड। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और लेसन टू यूज ऑफ वॉच एंड बियर्ड के साथ। हमारा यूज ऑफ एम इज आर्ट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आपको याद होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं याद होंगे तो रिमेंबर करके रखना, और कुछ भी पूछना कमेंट करना। और तब तक के लिए नमस्कार, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, नमस्कार।